आस्ट अत्यंत गौरवशाली की लहर में पुरानी पेंशन बहाली की आवाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह आवाज बुलंद होने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आवाज को उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुनेंगे और प्रदेश के 14 लाख NPS कार्मिकों की पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये एक शांतिपूर्ण तरीके से संगोष्ठी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज प्रत्येक जनपद से लेकर मंडल से लेकर प्रदेश की कार्यकारिणी और प्रदेश की लाखों NPS कार्मिकों को किस तरीके से पेंशन के मार्ग पे ले जाने का काम किया जाए। क्या इसके पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या कोई प्रयास किया गया है? बिल्कुल, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में 75 लाख NPS कार्मिकों के लिए लगातार आंदोलनरत है, लगातार प्रयासरत है। इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने अनेकों रचनात्मक काम भी किए हैं। जिस तरीके से 12 जुलाई को प्रत्येक साल 12 जुलाई को हम लोग एक पेड़ पुरानी पेंशन के नाम लगाने का काम करते हैं, जिस तरीके से पेड़ बड़ा होता है, छाव देता है, फल देता है, इसी तरीके से NPS कार्मिक को भी बुढ़ापे में पुरानी पेंशन का सहारा होता है ताकि वो अपना घर परिवार अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सके और अपना सम्मान को पा सके। कुछ कमी जो रह गई थी उसमें कमी सरकार की तरफ से यही है कि सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पुराने पेंशन के मुद्दे को नहीं समझ पा रहे और मेरा ये मानना है कि आप सभी के माध्यम से चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन सिर्फ एक कार्मिक का मुद्दा नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, राज्य से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, जिले से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, गांव से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है। इस मुद्दे को माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को हर हाल में समझना होगा क्योंकि जब एक कार्मिक को पेंशन मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इस चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे कार्मिकों को जो सरकार के अभिनंग है उनको पुरानी पेंशन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम चला इसके बारे में बताएं। आज कार्यक्रम जो है 14 पेंशन के ऊपर जुटता है राष्ट्रीय स्तर का और इसमें कई विभागों के लोग सामूहिक रूप में विभाग कर रहे हैं। जो मेन पेंशन के ऊपर पेंशन बहाली की। अच्छा, इसके आयोजक कौन है? आयोजक उद्धीराम कनौजिया जी और चीफ गेस्ट बीपी रावल की राष्ट्रीय अध्यक्ष।